आर्मी डॉग की ट्रेनिंग कैसे होती है और क्या रिटायरमेंट के बाद उन्हें मार दिया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आर्मी ट्रेनिंग के लिए लेब्राडोर, बेल्जियन मेलिनाइस और जर्मन शेपर्ड नस्ल के कुत्तों को चुना जाता है। ये कुत्ते बहुत ही तेज तर्रार होते हैं। इन कुत्तों को ट्रेनिंग देने का काम नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग करता है। आर्मी डॉग की ट्रेनिंग अलग तरह से शुरू होती है। ये कुत्ते पहले 15 दिनों तक अपने ट्रेनर के साथ ही रहते हैं। इस दौरान अगर कोई कुत्ता ज्यादा आक्रामक हो या शारीरिक तौर पर फिट ना हो तो उन्हें ट्रेनिंग से अलग कर दिया जाता है और बचे हुए कुत्तों को ट्रेनिंग उनके ऑपरेशन के हिसाब से दी जाती है। जैसे अगर बम दस्ते में डॉग की भर्ती हुई है तो जमीन या वस्तु सूंघकर दूर से ही विस्फोटक का पता कैसे लगाएं, ये सिखाया जाता है। साथ ही इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने से लेकर खदानों का पता लगाने और यहाँ तक कि भीड़ नियंत्रण जैसे कामों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इन कुत्तों की आवाज के बजाय आंखों के इशारे से समझना और काम करना सिखाया जाता है और यहाँ तक कि इन्हें ना भूखने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। 2015 से पहले रिटायर होने के बाद इन कुत्तों को मार दिया जाता था, लेकिन अब इन कुत्तों को भारत के आम नागरिक भी गोद ले सकते हैं।